वालेकुम। एक भाई साहब ने हमें कमेंट करके बताया ओवरलॉक का टाइमिंग जो टाँका पकड़ती है उसका सेटिंग करने का तरीका बोले थे, ज़रा बताइए। ठीक है, तो मैं आज बताने जा रहा हूँ, गौर से देखिए आप। सबसे पहले हम इसको आपको दिखाने के लिए मैं इसको खोल के हटा दे रहा हूँ। ये अपना साइड वाला सुई, इससे कुछ मतलब नहीं है, इससे टाँका पकड़ती है छोड़ती है इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। मेन है ये सुई, ये वाली सुई जो है ये मेन ये है, इससे है ऐसे जाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो धागा है ना, ये धागा इस सुई यहाँ पे गिरना है, ये वाली सुई यहाँ पे गिरेगी, तो हम इस हिसाब से सेट करेंगे कि सुई हमारा यहाँ पे गिरे ताकि टाँका ना छोड़े। तो हम इसको कैसे मिलाएंगे देख लीजिए। पहले हम इसको अंदर डाल देते हैं। अब हम देखते हैं धागा डाल के कि हमारा टाँका फंसा रही है नहीं। ये हम आपको इस तरह करके दिखाते हैं, ये दोनों सुई का पॉइंट देखें, गौर से आप देखिए पॉइंट। अब ये जब हम इसको आगे चलाएंगे तो ये सुई का जो पॉइंट है ना, ये गिरेगी यहाँ पे गिरेगी। यहाँ ये हॉल है, हॉल से इधर यहाँ पे हल्का गहरा है, यहाँ पे गिरेगी। देखिए यहाँ पे ऐसे गिरेगी तो धागा ये खुद ब खुद अंदर ले लिया, ये देखिए फोल्ड हो गया। अब ये टाँका बना के फिर बाहर फेंक देगी। अब इतना पे हम इसको टाइट कर लेंगे। अगर ये धागा को मेर नहीं रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, खोलेंगे और थोड़ा सा अंदर करके फिर हम इसको टाइट कर लेंगे। अच्छा से टाइट कर लेंगे। अब देखिए ये ओवरलॉक का टाइमिंग और ये सुई का टाँका मिलाना बहुत आसान है, भारी है और बड़ी। तो हम अभी प्लेट लगा के चेक करते हैं, फिर ये यहाँ सुई से ऊपर नीचे करके भी मिला सकते हैं। बस यही एक तरीका है, अगर यहाँ ये सही से घूम नहीं रहा है तो इसको खोल के हल्का सा पेपर से घिसिए, फिर उसके बाद इसको घुमाइए, क्योंकि नीचे खाँच रहती है, खाँच में बैठ जाती है, तो खाँच को ये हल्का सा घिसना पड़ेगा। घिसेंगे तो ये पत्ती है ना, ये सुई वाली पत्ती, इसको घुमा सकते हैं। हम आप प्लेट लगा के चेक करके दिखाएंगे। इस ये दांत को हम सेटिंग इस तरह करेंगे, बिल्कुल यहाँ बीच में रहे, ये हॉल देख रहे हैं ना, ये हॉल के बीच में रहे। अगर इधर उधर आगे पीछे हुआ तो आपका सुई टूटेगी। ये देखिए बिल्कुल बीच में रहेगी, इस इतना पे रहेगी ये। अब इसको हम इतना पे हम टाइट कर लेंगे यहाँ से।
इसको अच्छा से टाइट कर लेंगे कि बाद में खुले ना। ये बोल्ट को टाइट करना रहता है, ये बोल्ट को खोल के इसको टाइट करना रहता है। अगर ये टांका नहीं पक रहा तो सुई को क्या है ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन आप गौर कीजिए, देखिए इतना ये सुई यहाँ आएगी, ये देखिए हमने सुई को आगे चलाया, आगे चलाने के बाद इसमें सटेगी भी नहीं, ज़्यादा हटेगी भी नहीं, अगर ज़्यादा हट गया तो आपका टांका छोड़ देगी। तो हम इतना पे इसको सेट करेंगे, हम इस तरह करके आपको दिखा देते हैं, देखिए इतना पे हम सेट करेंगे। देखिए हम सुई अभी पीछे कर रहे हैं, अब हम आगे करें ना, अब सुई गिरेगी तो कहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी। ये बड़ा ऐसा ये ऊंचा जैसा दिख रहा है ना, इसके बाजू में एक हल्का गड्ढा है, हल्का सेब है, वहाँ पे सुई गिरेगी तो ये धागा को मेरेगी, तो धागा को बीन के फिर बाहर फेंकेगी टाका। अब इतना पे हम टाइट कर देंगे, अगर ये सुई इतना पे गिर नहीं रही है, सुई ऊपर है और उससे पहले ये निकल जा रही है, पिसल जा रही है, तो सुई को हल्का नीचे करेंगे तब इसको फिटिंग करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सिलाई मार के चेक करेंगे। इसको बंद कर देते हैं, सिलाई मार के चेक करते हैं। ये देखिए सिलाई अच्छा हो रही है, लेकिन ये एक नीचे का टाइट दे रही है, ऊपर से मिलाएंगे धागा को, कम ज़्यादा ढीला करेंगे। याद रहे ये कभी भी है ना, इसको टाइट नहीं रखिएगा, इसको बिल्कुल हल्का सपोर्ट के लिए टाइट कीजिएगा, बाकी ढीला रहे। ये जितना ढीला चलेगी उतना फर्स्ट क्लास टांका आएगी, अगर हम इसको टाइट कर देते तो टांका छोड़ेगी। जब ये सुई हमारा नीचे गिरेगा तो आप ये गौर कर लीजिएगा, सुई का होल ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे रहेगी। ये देखिए सुई का होल, ये देखिए सुई का जहाँ पे जिसमें धागा डालते हैं, ये इसका धागा इसका धागा दोनों अपोजिट रहे, मतलब मिल जाए यहाँ तक करें ना, तो ये दोनों का अपोजिट मिल जाए। ये देखिए दोनों मिल गया ना अपोजिट, इसका होल और ये सुई का होल। तो हम इस हिसाब से भी इसका टाइमिंग मिला सकते हैं, इस हिसाब से भी हम रखेंगे ना तो सिलाई का टांका नहीं छोड़ेगी। या ये इसका आउट हो रही है, सही से मिल नहीं रही है, तो समझ लीजिए आपका टांका छोड़ देगी, सही से मिलेगी नहीं। तो यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ये बहुत आसानी है ओवरलॉक का टांका और टाइमिंग मिलाना। इससे आपका हो जाएगा, आप इस हिसाब से जैसा मैं बताया उस तरह देख करके आप सेटिंग करेंगे तो हो जाएगी आपका, फिर मशीन में टांका नहीं छोड़ेगी और बिल्कुल 20 सेंटर में ये जो दांत है 20 सेंटर में रखिएगा, आरा टेरा कहीं पे भी रहा तो आपका सुई तोड़ेगी, धागा कट जाएगी और ये सुई इस पे लग के टूट जाएगी, क्योंकि सुई ज़्यादा इसी पे लग के टूटती है। और ये दांत, ये दांत बिल्कुल टाइट रहे, ये हल्का भी ढीला रहेगा तो आपका सुई तोड़ देगी। ऐसे देख लीजिएगा, ऐसे हिला के देख लीजिएगा, देखिए बिल्कुल फिट है, इसलिए इसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल है कमेंट करके बताएं।